M&M टॉकीज पे चाचा नसरुद्दीन की कहानी। मेरे सभी दोस्त और दुश्मनों को चाचा नसरुद्दीन का आदाब। हाँ यार, जब हम एक लंबे सफर पर निकल गए थे, वहाँ अपने चौपाल के दोस्तों की बड़ी याद आई, बहुत याद आई। इसीलिए तो कुछ नई नई कहानियाँ आपके लिए तोहफे में लाया हूँ। तो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करें। आज की कहानी का शीर्षक है प्रतिभा की परख। एक अति प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह जो भी कार्य करता था सिस्टम ही करता था, लेकिन उसे लगातार यह महसूस होता था कि उसके आसपास की दुनिया उसकी क्षमताओं और उसकी योग्यताओं की सही कदर नहीं जानती है, और वह सदा एक खीज से भरा रहता था। एक दिन अचानक ही उसे खबर लगी कि एक नगर में एक गुरु हैं जिनकी संगत में अनेक शिष्य रहकर अपनी अपनी कलाओं की साधना में जुटे हुए हैं। उसे यह भी सुनने में आया कि वह गुरु सही मायने में प्रतिभाओं का पारखी है। उसने तत्क्षण ही निश्चय कर लिया कि अब से वह अपनी प्रतिभाओं का पोषण उस गुरु के सानिध्य में ही रहकर करेगा। अपनी भूमि छोड़ने से पहले उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपने सभी मित्रों को अपने घर प्रीति भोज पर निमंत्रण दिया। भोज में उसके सभी मित्र शामिल हुए। भोज के दौरान उसने अपने मित्रों को ताना देते हुए कहा कि मैं तुम सबके साथ ही खेला, पढ़ा और बड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी प्रतिभाओं को कभी पहचान नहीं पाए। अब मैं एक ऐसे संघ में रहने जा रहा हूँ जहाँ सही मायने में मेरी कदर हो सकेगी। यह सुनकर उसके कुछ मित्रों की भवें तन गई, तो कुछ ने अनसुना कर दिया और कुछ ने उपहास भरी मुस्कान फेंकी, लेकिन अंत में विदाई के समय सब ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया। और फिर वह प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम कृतियाँ, जिनमें कुछ चित्र, कुछ मूर्तियाँ, कुछ संगीत संयोजन और कुछ लेखनी थी, अपने साथ लेकर उस गुरु के संग में जा पहुँचा। गुरु ने प्रेम से उसका स्वागत किया, फिर उसकी सभी कृतियों को गौर से देखा और उसे अपने संग में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन साथ में गुरु ने यह भी निर्देश दिया कि आज के बाद वह संग में रहकर केवल चित्रकारी ही करेगा और कुछ नहीं। एक क्षण तो उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी 10 उंगलियों में से 8 काट कर फेंक दी। लेकिन धीरे धीरे उसके भाव रंग और रेखाओं में बहने लगे। आने वाले समय में उसने ऐसे अद्भुत कलाकृतियां बनाई कि दूर दूर से लोग उसके चित्रों को देखने आने लगे। वह चित्रकला के क्षेत्र में पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था कि अचानक एक दिन गुरु ने उसे बुलाकर निर्देश दिया कि अब से उसे केवल संगीत की ही साधना करनी है। उसे ऐसा लगा कि जैसे अचानक उस पर बिजली आ गिरी हो। मन ही मन उसने गुरु को काफ़ी कोसा, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद उसके मन के साजों पर सुर सदने लगे। फिर तो वह संगीत में ऐसा रमा कि उसकी कुटिया में दिन रात स्वर संगम के झरने फूटने लगे। वहाँ के आसपास का पूरा वातावरण उसकी स्वर लहरियों में सराबोर होने लगा। हर तरफ उसके संगीत की चर्चा होने लगी। दूर दूर से उसे बुलावा आने लगा था कि अचानक गुरु ने फिर उसे बुला भेजा और उसे निर्देश दिया कि वह अब साजों से खेलना बंद कर दे और छैनी हथौड़ी थाम ले। एक पल तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जी तो चाहा कि उस गुरु का सानिध्य छोड़कर कहीं और भाग जाए, लेकिन जाने क्या खिंचाव था कि वह उस संग को छोड़ ना सका। कई दिनों तक अपने आप से खिन्न रहने के बाद आखिर वह मूर्तियां बनाने में जुट गया। जहां कल तक उसकी कुटिया में संगीत की स्वर लहरियाँ बहती थी, अब वहाँ छैनी और हथौड़े की आवाज़ गूंजने लगी, और हर बीतते दिन के साथ वह आवाज़ और तेज तथा लयबद्ध होती जा रही थी। कुछ ही माह में उसकी कुटिया के आगे अनेक छोटी बड़ी मूर्तियों का तांता बन गया था। एक से एक अद्भुत मूर्तियां गढ़ी थी उसने। जो भी उन मूर्तियों को देखता हतप्रभ रह जाता। वह अपनी मूर्ति कला में पूरी तरह से खो ही गया था कि उसके गुरु का फिर बुलावा आ गया। और जब वह अपने गुरु से मिला तो उन्होंने मुस्करा कर उससे कहा कि बड़े दिनों से तुमने कुछ लिखा नहीं, अब से तुम अपना सारा समय केवल लेखन कार्य में ही लगाओ। गुरु का आदेश पाकर वह अपनी कुटिया में लौट आया। उसने अपनी हथेलियों को देखा
उसकी दोनों हथेलियां छालों से भरी हुई थी। जो हाथ इतने दिनों तक केवल छेनी और हथौड़े की भाषा समझते थे, आज उन हाथों से वह कलम कैसे चलाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई दिनों तक वह अपनी कुटिया में बैठकर सूनी दीवारों को देखता रहा, लेकिन शने शने उसके दिशा विहीन विचारों को स्वतः ही दिशा मिलने लगी। और फिर एक दिन गरज के साथ उसके शब्द कागज पर बरसने लगे। यह वर्षा कई मौसम कई महीनों तक जारी रहा। उसकी पूरी कुटिया कविताओं कहानियों लेखों और उपन्यासों की बाढ़ में डूब रही थी कि फिर उसे गुरु का निमंत्रण मिला। वह गुरु के पास पहुंचा। इस बार वह पूरी तरह तैयार था। गुरु ने उसे आदेश दिया कि अब तुम अपने लेखन कार्य से भी मुक्त हो जाओ। वह प्रतीक्षा करता रहा कि शायद गुरु उसे और कोई कार्य करने के लिए कहेंगे, लेकिन गुरु ने आगे कुछ नहीं कहा। वह अपनी कुटिया में वापस लौट आया और गुरु के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने गुजर गए। कई मौसम आए और गए, पर गुरु की ओर से कोई संदेशा नहीं आया। लेकिन इस प्रतीक्षा की घड़ी में उस प्रतिभाशाली शिष्य के अंतस में कुछ रूपांतरण होना शुरू हो गया था। इसी बीच उसके गुरु काफी बूढ़े हो चले थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था और कभी भी उनकी सांस टूट सकती थी। अब उस शिष्य से और प्रतीक्षा ना हुई। वह दौड़ता हुआ गुरु के चरणों में जा गिरा। गुरु ने अपनी डूबती आवाज से उससे पूछा कि क्या अब भी तुम्हारे भीतर प्रतिभा का कोई अंश शेष है। उस शिष्य की आंखें डबडबा आई और बड़े प्रयास से उसके होंठों से उत्तर फूटा, अब मैं हर पल अपने चारों ओर परमात्मा की चित्रकारी का करिश्मा देखता हूँ। उनकी बनाई हुई हर मूर्ति क्षण प्रति क्षण मुझे एक नया रहस्य दे जाती है। सोते जागते सदैव कानों में उनका संगीत गूंजता रहता है। हर प्राणी उनकी किताब का एक एक पन्ना है, जिसे मैं पढ़ पढ़ कर भी नहीं भूल पाता हूँ। उत्तर सुनकर गुरु मुस्कराए और कहा कि अब तुम्हारी प्रतिभा को सही दिशा मिल गई है। अब तुम जो चाहे रचना रच सकते हो। मेरे आशीष सदा तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, ऐसी है इस जिंदगी की पहेली। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम कुछ नहीं जानते, और हमारा जानना एक धोखा है। जिस दिन भी हमें इस धोखे का पता चल जाता है, वहीं से एक खूबसूरत एहसास की शुरुआत होती है। M&M टॉकीज पे चाचा नसरुद्दीन की कहानी। दोस्तों, आइए आज के इस खुशनुमा शाम में हम इंसान की खूबसूरती का राज जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करें आज की कहानी। आज के कहानी का शीर्षक है एक बदसूरत सम्राट। एक सम्राट था, वह बहुत ही बदसूरत था। जो भी कोई कहीं भी किसी बात पर हंसता था, उसे ऐसा लगता कि जैसे कि वह उसकी बदसूरती पर हंस रहा है, और इसी कारण उसे हंसी से नफरत हो गई थी। वह बदसूरत सम्राट ने अपने राज्य में फरमान जारी कर दिया था कि जो भी कोई उसके राज्य की सीमा में हंसेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उस राज्य की जनता मृत्युदंड के भय से हंसना भूल ही गई थी। पास के ही राज्य में एक फकीर था, जो हंसने के अलावा और कुछ जानता ही नहीं था। सुबह का सूरज उगता था तो सूरज को देखकर उस फकीर को हंसी आती थी। शाम के डूबते सूरज को देखकर भी वह हंसते नहीं थकता था। चाहे कोई उस दुनिया में आए या कोई उस दुनिया से जाए, चाहे कुछ शुभ हो या फिर अशुभ, परमात्मा के हर फैसले का वह फकीर हंसकर ही स्वागत करता था। वह सदैव अपनी हंसी बिखेरता हुआ गांव-गांव, नगर-नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमा करता था। जब भी उस फकीर को किसी ने देखा, हंसते हुए ही देखा। संयोग से वह फकीर
घूमते घूमते उस बसूरत सम्राट के राज की सीमा में जा पहुंचे। जब उस फकीर ने उस राज्य की जनता के गंभीर चेहरों को देखा तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस राज्य की जनता ने उस फकीर को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब उस फकीर ने देखा कि उस राज्य के सिपाही उसे हंसने के जुर्म में गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो उसका तो हंसते हंसते और भी बुरा हाल हो गया। सिपाही उसे हथकड़ियों में जकड़कर राजमहल की ओर ले जा रहे थे और वह पूरे रास्ते अपना पेट पकड़कर हंसते जा रहा था। उस समय वह बसूरत सम्राट अपने दरबारियों के साथ मंत्रणा कर रहा था। तभी दूर से उसके कानों में उस फकीर की हंसी की आवाज आई और वह गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत मयान में से अपनी तलवार निकाल ली। सभी दरबारी सहम गए। उन्हें पता था कि जिसकी भी वह हंसी की आवाज है, आज उसका सिर कलम होने वाला है। सिपाही उस हंसते हुए फकीर को दरबार में लेकर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उस फकीर की नजर उस बदसूरत सम्राट के चेहरे पर पड़ी, वह अचानक दहाड़े मार मार कर रोने लगा। कुछ ही देर में उसका पूरा चेहरा आंसुओं में भीग गया। वह अपनी छाती पीटे जा रहा था और रोए जा रहा था। उस हंसते हुए फकीर का अचानक इस तरह बिलक बिलक कर रोना देखकर बरबस ही उस सम्राट को हंसी आ गई। और जैसे ही उसकी हंसी का बांध टूटा, वह हंसता ही चला गया। सम्राट हंसे जा रहा था और वह फकीर दहाड़े मार मार कर रोए जा रहा था। कुछ देर बाद जब उन दोनों का हंसना और रोना थमा, तब उस फकीर के होंठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई और उसने सम्राट से कहा, हे सम्राट, तेरे बगल में ही आईना है, जरा अपनी सूरत तो देख लो। सम्राट ने मुड़कर अपनी सूरत आईने में देखी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब वह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। हंसने के बाद उसका चेहरा खिल उठा था। दो क्षण में ही उस सम्राट को इंसान की खूबसूरती का राज समझ में आ गया था और वह उस फकीर के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, यह रही खूबसूरती का सीधा सादा राज। लेकिन दोस्तों, जरा गौर करें, यह कोई आसान सौदा नहीं है। हमें सीखना होगा जिंदगी के हर मोड़ पर हंसना, चाहे हमारे हिस्से में दुख आए या फिर सुख। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हंसते हंसते। M&M टॉकीज पे। चाचा नसरुद्दीन की कहानी। दोस्तों, हम सबको ऊपर वाले ने यह नायाब जिंदगी तो दी है, लेकिन क्या हम अपनी अपनी जिंदगी को तराश पाए हैं? शायद हम में से कईयों ने अपनी अपनी जिंदगी को तराशी भी होगी। लेकिन आज की कहानी इससे भी आगे कुछ और कहती है, तो सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है हीरे की चमक। एक प्रसिद्ध हीरों के पारखी थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि वे अगर एक साधारण कंकड़ को भी हीरा कह देते थे तो वह कंकड़ अनमोल बन जाता था। जिस हीरे पर भी उसकी नजर ठहर जाती तो उस हीरे का मूल्य लाखों में बढ़ जाता था। लेकिन वे हीरों के पारखी थे अद्भुत। वे समुद्र के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अति साधारण सी जरूरतों में अपना जीवन बसर करते थे। हालांकि अगर वे चाहते तो दुनिया की हर दौलत हासिल कर सकते थे। देश प्रदेश के बहुत से हीरों के प्रेमी उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उनकी शिक्षा इतनी कठिन थी कि कोई भी अब तक उनके शिष्य बनने का साहस नहीं जुटा पाया था। एक बार दूर देश से एक हीरों का दीवाना उन्हें खोजते खोजते उनकी कुटिया में पहुंचा और उनसे विद्या दान देने के लिए विनती की। उन पारखी ने गौर किया कि वह नवयुवक की आंखों में वाकई हीरों की खोज की तड़प थी। सो वे उस जिज्ञासु युवक को हीरों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो गए। उन जानकार पारखी ने सर्वप्रथम उस नवयुवक को यह सिखाया कि किस तरह की भूमि में से हीरे की खोज की जाती है। फिर उसे हीरों की खानों के बारे में पूरी जानकारी दी और किस तरह जान को जोखिम में डालकर धरती के गर्भ में से हीरा ढूंढकर निकाला जाता है, और अंत में उसे सच्चे हीरे की पहचान करने की कला से परिचित करवाया। कुछ समय बाद जब वह नवयुवक पूरी तरह तैयार हो गया,
तब उन पारखी ने उसे आदेश दिया कि अब उसे स्वयं जाकर इस अपार भूमि में से एक नायाब हीरे की खोज करके लानी है। आदेश पाकर वह नवयुवक हीरे की तलाश में निकल पड़ा। वह वर्षों घूमता रहा, कभी पहाड़ों में, कभी घाटियों में और कभी मैदानी इलाकों में। तरह तरह की भूमि का उसने सर्वेक्षण किया, अनेक खानों में उसने खुदाई की और फिर अचानक ही एक दिन धरती के गर्भ में से पत्थरों के ढेर में से उसे एक नायाब हीरा मिल गया। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। वह घंटों इस हीरे को लेकर नाचता रहा, उसे चूमता रहा। उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। एक क्षण तो उसके मन में विचार आया कि वह अपने हीरे को किसी जौहरी के हाथ बेच दे और फिर उससे अर्जित धन से बाकी की जिंदगी पूरे ऐशो आराम में बिताए। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी समझ ने उत्तर दिया कि अभी उसे अपने गुरु से हीरों के बारे में बहुत कुछ सीखना शेष है। और फिर वह अपना हीरा लेकर वापस अपने गुरु उन पारखी के पास चल पड़ा। वे हीरों के पारखी उसे वापस लौटा देखकर खुशी से फूले नहीं समाए। उन्होंने उसे आशीष दिया और कहा कि अब से तुम्हारी असली शिक्षा शुरू होती है। अब तक जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है वे मात्र साधारण ज्ञान थे। वे सारी सूचनाएं तो तुम्हें अनेक किताबों और ग्रंथों में भी मिल जाती। जब किसी खोजी को हीरा मिलता है तो कुछ योग उसकी मेहनत का होता है और कुछ भाग्य का होता है। लेकिन अब से जो तुम्हारा कार्य शुरू होगा उसकी कामयाबी केवल तुम्हारी अपनी मेहनत पर ही निर्भर करेगी। यह जो नायाब हीरा तुम्हारे हाथ आया है अब मैं तुम्हें इसे तराशना सिखाऊंगा। जब तक हीरे में चमक न हो तब तक उसकी शोभा ही क्या। अपने इस हीरे को ऐसा तराशो कि यह रोशनी की एक किरण को भी लाखों किरणों में प्रतिबिंबित कर सके। और फिर वह अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने हीरे को तराशने लगा। वर्षों बीत गए, उसकी पूरी ऊर्जा सिमट कर केवल उसके हीरे पर केंद्रित हो गई थी। अब उसका हीरा ऐसा चमचमाने लगा था कि उस पर किसी की नज़र भी नहीं ठहर पाती थी। हीरों के उन अद्भुत पारखी ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, अब तुम्हारा यह हीरा संसार का सबसे कीमती हीरा बन गया है। इसके सहारे अब तुम जन्नत की सारी खुशियां अपने एक इशारे पर हासिल कर सकते हो। बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? उस शिष्य ने अपने उस अनमोल हीरे को उठाया और गहरे समुद्र में फेंक दिया और अपने गुरु के चरण पकड़कर उनसे कहा, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी कृपा से हीरे के ज्ञान की चमक सदा के लिए अब मेरे रोम रोम में समा चुकी है। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ पा लेना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी को दरिया में बहा देना कोई आसान बात नहीं है। यह कोई विरला ही कर पाता है। M&M टॉकीज पे चाचा नसरुद्दीन की कहानी। बाप रे बाप, कितना शोर है जमाने में। कभी कभी तो जी घबरा जाता है और मन करता है कि कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन जाऊंगा कहाँ? जहाँ भी जाऊंगा मेरे दिमाग का शोर तो मेरे पीछे पीछे आएगा ही। यह हाल मेरा ही नहीं है दोस्तों, हम सबका ही है। तो आओ सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है शोर और शांति के बीच। एक विशाल नगर था जहाँ लाखों लोग बसते थे। उस नगर की अनगिनत सड़कों और गलियों में दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता था। वहाँ हर पल दो पल में लोग बनते और बिगड़ते थे, रिश्ते टूटते और जुड़ते थे। जाहिर है उस नगर में हर समय शोर ही शोर बना रहता था। उन नगरवासियों की खुशी में शोर था, उनके दुख में शोर था, उनकी आपसी मिलन और टकराव में शोर था, और हैरत की बात तो यह थी कि उनकी शांति में भी शोर ही था। उस नगर के शोर से वहाँ का हर आदमी परेशान दिखता था, लेकिन अजीब विडंबना यह थी कि कोई भी उस नगर को छोड़ने के लिए तैयार ना था। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जो वहीं पैदा हुआ, पला और बड़ा हुआ था। उसके पूर्वज कई पुश्तों से उस नगर के बासिंदे थे।
इस दुनिया में आंख खुलने के बाद उस व्यक्ति ने उस नगर के शोर के अलावा और कुछ अनुभव किया ही नहीं था। हालांकि उस व्यक्ति ने किताबों में पढ़ रखा था कि शांति एक अद्भुत अनुभूति है जिसे हर किसी को अनुभव करना चाहिए, लेकिन अब तक की जिंदगी में शांति से उसका कोई परिचय नहीं हुआ था। वह व्यक्ति अति संवेदनशील था और इसी कारण वह एक दिन उस नगर के शोर से पूरी तरह ऊब उठा। उसने तत्क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह हर कीमत पर शांति हासिल करके ही रहेगा। वह इरादे का पक्का था। उसने कुछ ही दिनों में अपनी सारी जमीन जायदाद बेच डाली, कुछ धन अपने रिश्ते नातों में बांट दिया और कुछ अपने लिए रख छोड़ा, और फिर सबसे विदा लेकर चल पड़ा एक अनजान नगर पर। उसने ठान ली थी कि अब वह उस शोर भरे नगर से दूर कहीं ऐसे इलाके में जाकर बसेगा जहाँ शांति ही शांति होगी। वह अपने साथ काफी धन लेकर निकला था, सो वह बहुत घूमा, बहुत खोज की उसने, और अंत में उसने अपने रहने के लिए सुंदर पर्वतीय इलाके में स्थित एक अत्यंत ही मनोरम स्थल को चुना। भीड़ के कोलाहल से दूर वह जगह अत्यंत शांतिपूर्ण थी। पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट के अलावा वहाँ और कोई आवाज ही नहीं थी। उस व्यक्ति ने उस स्वर्ग जैसे सुंदर स्थान में एक मकान ले लिया और सदा के लिए वहाँ बस जाने के इरादे से वहाँ रहने लगा। उसका पहला दिन अत्यंत ही आनंदपूर्ण बीता। सारा दिन वह अपने मकान के आसपास फैली हरियाली को देखता रहा, पक्षियों की गीत सुनता और सुन सुन कर झूमता रहा। लेकिन दूसरे ही दिन उसने गौर किया कि उसे पक्षियों की गीत कम सुनाई देने लगे और हरियाली भी उसकी आंखों में खटकने लगे, और तीसरे दिन तो वह अपने आप पर हैरान हो गया क्योंकि उसे वहां की शांति से ऊब होने लगी थी और अपने नगर के चिर परिचित शोर की कमी महसूस होने लगी। बामुश्किल उस व्यक्ति ने उस एकांत स्थल में एक सप्ताह काटा और फिर अपने नगर की ओर वापस लौट पड़ा। उसके वापस आने से उसके परिवार के लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके दोस्तों ने उसे गले से लगाया। कुछ दिन तो उसके वहां पर बहुत ही बढ़िया बीते, लेकिन धीरे धीरे उसे नगर का शोर फिर से परेशान करने लगा, और इस बार तो शोर उससे पहले से कहीं और अधिक तेजी से सुनाई देने लगा था। वह घबरा उठा। यह क्या हो गया है उसे? अजीब दुविधापूर्ण अवस्था थी उसकी। अब शोर में उसका दम घुटता था और शांति से उसकी अभी पहचान नहीं बन पाई थी। वह दिन रात उस नगर की गलियों में भटकता रहता, पागलों जैसी हालत हो गई थी उसकी। उसने अपने पहचान वालों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसे अब सभी पराये दिखते थे। इन्हीं दिनों उसे ऐसा लगने लगा कि उस नगर की भीड़ में उसे किसी एक खुशनुमा चेहरे की तलाश है, और वह हर आने जाने वालों को गौर से देखता रहता। एक दिन भटकते भटकते वह एक व्यस्त चौराहे पर पहुंच गया, जहां उसने देखा दो सड़कों के बीच में एक पागल मजे से लेटा हुआ आकाश की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। आज तक उसने शोर से भरे उस नगर में इतना प्रसन्न चित्त व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वह ठगा से रह गया। एक अनजान शक्ति उसे उस पागल तक खींच रही थी। वह अपने कदमों को रोक न सका और उस पागल के पास जा पहुंचा। पागल ने उसे देखा और बच्चों जैसी निर्मल हंसी से उसका स्वागत किया और उससे पूछा, क्यों तुम्हें भी शोर से भरे नगर में शांति की तलाश है? एक पागल द्वारा अपने अंतर मन में छिपा हुआ यह प्रश्न सुनकर वह अचानक सहम गया। उसे लगा कि यह पागल बहुत ही खतरनाक आदमी है, और इतना सुनते ही जैसे ही वह वहां से भागने ही वाला था कि उस पागल ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वह व्यक्ति मारे डर के थर थर कांपने लगा। उस पागल ने उससे कहा, अगर तुम मुझसे बचकर भाग निकले तो इस नगर का शोर यहाँ की भीड़ की तरह तुम्हें भी निगल जाएगा। केवल मैं ही तुम्हें इस शोर के बीचों बीच छिपी शांति से परिचय करवा सकता हूँ। बोलो, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। सहज ही उसके होठों पर उत्तर फूट पड़ा, मुझे हर कीमत पर शांति चाहिए। उसका उत्तर सुनकर वह पागल जोर से हंसा और फिर अपनी कमर में बंधी रस्सी खोलकर उसने उसका एक सिरा अपनी कलाई में बांध लिया और दूसरा सिरा उस व्यक्ति की कलाई में।
वह व्यक्ति पागल की इस हरकत को समझ नहीं पाया था। तभी पागल ने उससे कहा, आज से तुम्हें मेरे साथ यहीं दो सड़कों के बीच में रहना होगा। इतना कहकर वह पागल आराम से वहीं लेट गया और फिर से आकाश की ओर देखते कर मुस्कराने लगा। वह व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। वह इसी नगर का बाशिंदा था, यहाँ हजारों लोग उसे जानते थे। वह भला एक पागल के साथ यहाँ नगर की सबसे व्यस्त दो सड़कों के बीच में कैसे रह पाएगा। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि रात को जब वह पागल सो जाएगा तो चुपके से अपनी कलाई में बंधी हुई रस्सी को खोलकर वहां से भाग निकलेगा और फिर वह अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपाकर वहीं उस पागल के पास बैठा रहा और रात होने का इंतजार करने लगा। और जब रात उतर आई तो पास ही के एक चाय खाने का मालिक उस पागल के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले आया। उन चीजों में से आधी उस पागल ने उस व्यक्ति को दी और आधी स्वयं ग्रहण की। कुछ देर बाद जब रात और घनी हुई तब वह पागल मजे से वहीं लेट गया और कुछ ही समय में गहरी निद्रा में डूब गया। पागल को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर वह व्यक्ति बड़ी ही सावधानी से अपनी कलाई में बंधी रस्सी खोलने लगा। उस व्यक्ति ने रस्सी खोल ही ली थी कि उसकी नजर पागल के चेहरे पर पड़ी। वह पागल जाग गया था और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पागल की नजर और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी ललकार थी कि उस व्यक्ति के भीतर युगों युगों से सोया हुआ सिंह जाग उठा और फिर उसने उस पागल से क्षमा मांगी। मुझे माफ करना, मैं मैदान छोड़कर भाग रहा था, लेकिन अब मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, यह मेरा वादा रहा। उस पागल ने फिर खुद ही रस्सी खोल दी और कहा, अब इसकी जरूरत नहीं, अब तुम एक पथिक बन गए। दूसरे ही दिन उस व्यक्ति के सभी नाते रिश्तेदारों में यह खबर फैल गई कि वह पागल हो गया है और सड़क के बीचों बीच एक पागल के साथ बैठा हुआ है। दोपहर होते होते उस सड़क के आसपास एक हजूम इकट्ठा हो गया। कुछ रिश्तेदार अपने साथ हकीम ले आए थे और कुछ झाड़ फूक करने वाले ओझा को पकड़ लाए थे। पूरे 3 दिन तक वहाँ तमाशा चलता रहा। उस व्यक्ति को भी मजा आने लगा था, सो वह भी पागलों की तरह उलूल जुलूल हरकतें करके सबका मनोरंजन करता रहता और फिर एक सप्ताह के भीतर ही उसके सभी चाहने वाले उसे ला इलाज पागल करार देकर अपने अपने काम पर चले गए। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने गौर किया कि उसका पागल दोस्त बहुत ही कम बोलता है और अधिकतर वह अपने आप में मग्न रहता है। धीरे धीरे इसी कारण वह भी अब शांत रहना सीख गया था। और एक दिन अचानक ही उस पागल ने उससे कहा, अब तुम अकेलेपन में रहना सीख गए हो, अब तुम्हें अपने आसपास गूंज रहे शोर को गौर से सुनना होगा। इसे सुनते सुनते ही तुम्हें निश्चय ही एक दिन शांति मिल जाएगी। वह व्यक्ति पागल के कथनानुसार वहां पर सदा गूंजते शोर को गौर से सुनने लगा। उसने अनुभव किया कि सुबह का सूरज उगते ही उस सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता और दोपहर होते होते वहाँ शोर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता। दोपहर बाद शोर में थोड़ी कमी आती और शाम होते होते फिर शोर तेज हो जाता और फिर रात देर गए तक वहाँ लोगों का आना जाना बना रहता। लेकिन रात खत्म होने और सुबह शुरू होने से पहले कुछ क्षण के लिए वह नगर आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह शांत हो जाता था। कुछ क्षणों की वह अद्वितीय शांति उसे बहुत ही प्रिय कर लगी। उन शांत क्षणों को याद करने से ही उसके भीतर एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ जाती थी। वह सारा दिन उन क्षणों की अनुभूति के लिए व्याकुल रहने लगा। बीतते समय के साथ साथ उसने अनुभव किया कि शांति की वे कुछ अमूल्य क्षण शनै शनै उसके भीतर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया जब उसके भीतर हर घड़ी शांति ही शांति व्याप्त थी। बाहर के शोर के साथ उसका नाता पूरी तरह टूट चुका था। और फिर एक दिन उस पागल ने उस व्यक्ति से कहा, शोर के गर्भ में छिपे अनमोल हीरे के अब तुम मालिक बन गए हो, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अश्रु भरे नेत्रों से उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी ही तरह शायद कोई और भी इस नगर में शांति के लिए भटक रहा है, मुझे उसे ढूंढने जाना है। और उस पागल ने उस व्यक्ति को गले से लगाकर विदा किया। तो यह रही
हमारे आसपास फैले शोर में से शांति के लम्हे चुराने की तरकीब माना कि आसान नहीं है दोस्तों, पर नामुमकिन भी तो नहीं, क्यों है ना?